सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाले खिलाड़ी क्या रन बनाएंगे? सोशल मीडिया पे जो खिलाड़ी आपको नाचते हुए, गाते हुए, किसी सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आते, आखिर वो खिलाड़ी बड़े मैच में क्या रन बनाएंगे? इनसे रील्स बनवाइए, इनसे रन्स प्लीज मत बनवाइए। ये हम नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है एक खिलाड़ी के लिए। कौन है वो खिलाड़ी, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला चल रहा है, जिसमें टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही खराब हुई। पहले रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद एक और खिलाड़ी था जिस पर हम सभी की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि उस खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा है नंबर चार पर। अब आप समझ गए होंगे नंबर चार पर मैं किसकी बात कर रही हूं। वो कोई और नहीं, वो है श्रेयस अय्यर, जिनको कल रात नींद भी नहीं आई। इन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले से पहले एक दिन, एक रात पहले मुझे नींद तक नहीं आई। मैं इतना ज्यादा नर्वस था, इतना ज्यादा एक्साइटेड भी था, दोनों का मिक्सचर था मैं, तो मुझे नींद भी नहीं आई। अब लोग उनका मजाक इसलिए उड़ा रहे क्योंकि वो मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि भैया नंबर चार पर आएंगे, इनकी वजह से एशिया कप 2023 के स्क्वाड अनाउंसमेंट में भी देरी हुई, आप जैसा कि जानते हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि नंबर चार पे 2019 के बाद से लगातार इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग 40-50 की इनकी एवरेज है नंबर चार पे, तो काफी ज्यादा शानदार इन्होंने परफॉर्म करा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे धनश्री के नाम से, क्योंकि आप जानते हैं युजवेंद्र चहल, धनश्री, श्रेयस अय्यर, इन तीनों का कुछ ट्रायंगल चलता है। या हमारा कहना नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे जो बातें उड़ती हैं कि भैया कब इनका ट्रायंगल बता देंगे, कभी श्रेयस अय्यर और धनश्री का नाम आपस में जोड़ देंगे, तो उस तरीके की खबरें कुछ सोशल मीडिया पर चलती हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि भैया धनश्री की वजह से श्रेयस अय्यर जो है आउट हो गए, क्योंकि इनका ध्यान धनश्री के साथ रील बनाने में ज्यादा है और बड़े मैच में रन बनाने में नहीं है, तो इनसे इसका मतलब कि रील्स ही बनवाई, ऐसा कुछ सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंट करा है श्रेयस अय्यर ने। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को सही में अभी और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? क्या श्रेयस अय्यर को रील्स में ही फोकस करना चाहिए, या फिर आज जस्ट बैड डे की तरह भूल जाना चाहिए? क्या पता अगले मुकाबले से श्रेयस अय्यर दोबारा से फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए। क्या कुछ इसमें से हो सकता है, कमेंट्स करके मुझे अपनी राय जरूर बताइए।